पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक तो लाइफ स्टाइल अपना ठीक करना, दूसरा कार्यशैली को, तीसरी चीज है विचारधारा, जीवन दर्शन, इनमें बहुत बढ़िया परिवर्तन आना चाहिए। और इसके बाद दो चीजें होती हैं कि एक ब्रह्म वेला में भगवान की आराधना करना, नाम की कमाई करना, और तीसरा इसी के अंतर्गत होता है आखिर शाम को पूर्ण समर्पण करके भगवान के चरणों में अपने दिन को अपने कर्मों को समर्पित करना। और जो आखिरी दिन होता है दिमाग में वो भगवान का होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सोने के ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे, पर जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, जितना जीवन दिया भगवान ने वो उसको समर्पित हो जाएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने अपने जीवन में विशेष रूप से सोचना विचारना है और कार्य पद्धति अपनाना। दूसरी बात आती है कि धर्म को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी समझती है, तो धर्म प्रचार के लिए जिम्मेदारी में अभी पिछले दिनों कलकत्ता में बड़ा आयोजन हुआ, उन्होंने 25 वर्ष जो मिशन के वहां हो गए शिक्षा दिए गए उसका समारोह मनाया। इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना प्रभावशाली है कि कल्पना नहीं की जा सकती। और आखिरी दिन फिर उन्होंने पानी के जांच पर कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम भी बहुत अद्भुत था। तो मैं आपको ये कहूंगा, भक्त लोगों के जीवन में जैसे ब्याह शादी होती है महोत्सव होते हैं, उससे बड़ा तो कुछ भी महोत्सव नहीं है कि आपने गुरु के होकर इस संसार के परमात्मा की राह में अपना जीवन लगाया, तो उसके लिए सबसे बड़ा महोत्सव होना चाहिए। जैन समाज में देखने में आया कि उनके परिवार का एक एक बेटा करोड़पति आदमी का उसने जो है अपने आप को साधु बना लिए, तो माँ बाप ने खीरे ज्वाला से थाल बना अपने बच्चों के ऊपर कोड़े कर और गरीबों में बांट दिए। उन्होंने कहा कि धन जोड़ के तो दुनिया में सब कोई जाते हैं, परमात्मा की राह में चलने वाले तो कोई कोई होते हैं। अभी भी आप देखें पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।